अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास अपने ये दो दोस्तों को लेकर आया हूँ। ये चाय का प्याले भाई हैं और ये पानी की बोतल बहन है। ये जो प्लास्टिक है जो ज़मीन के नीचे से हम तेल की शक्ल में निकालते हैं और प्लास्टिक की शक्ल देते हैं, आज से 50 साल पहले ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन लोग पानी फिर भी पीते थे। बिल्कुल इसी तरह से ये जो स्टायरोफोम है, ये भी ज़मीन के नीचे से निकलता है, तेल की बाई प्रोडक्ट होती है, ये भी तेल में से निकलता है। आपको मालूम है कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, होता तो ये 4-5 रुपए का या 2 रुपए का है, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन में दफना देते हैं तो 1 मिलियन साल तक, कितने 1 मिलियन साल तक ये ज़मीन के अंदर जज्ब नहीं होते और ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं 1 मिलियन साल तक। अब दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, अगर दुनिया में रोज़ एक आदमी एक इस्तेमाल कर ले तो 7 अरब स्टायरोफोम के कप इस्तेमाल हुए। वो 7 अरब कप जाएंगे कहाँ? कौन सी ज़मीन इतनी बड़ी जिसमें हम उसको दफनाएंगे, वो इस्तेमाल होगा? आपको मालूम है ज़्यादातर जो थैलियाँ हैं वो भी प्लास्टिक की होती हैं, वो सारी की सारी आप ज़रा बाहर निकले शहर से, शहर के दरख्तों के ऊपर लगी हुई नज़र आती हैं। क्या आपको अच्छी लगती हैं? ये भी थैलियाँ 500 हज़ार साल और 1 मिलियन साल से ज़्यादा में डिज़ोल्व होते हैं। बहुत सारे इसी तरह की चीज़ें समंदर में पहुंच जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग नहीं होती और इसमें जाके मछलियाँ इसमें मर जाती हैं और मछलियाँ इसको खाने की कोशिश करती हैं। तो मछलियाँ अगर इसको खाएंगी तो क्या बनेगा, जानवर खाएंगे तो क्या बनेगा? ये जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, ये हमारे पास अमानत है अगले आने वाले ज़माने की। हमने उनसे ये बोरो की है, ये हमारी नहीं है, ये हमने बोरो की है आइंदा आने वाली नस्लों से कि आप हमें ये लैंड कर दें। आपसे गुजारिश है कि इनको इस्तेमाल करना बंद कर दें। आप अगर इनको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो जो बनाने वाले हैं वो बनाना बंद कर देंगे। हाँ, कहेंगे कि मेरे एक से क्या होता है, तो आपने किस्सा शायद सुना होगा वो इस चिड़िया का जो कि जंगल के अंदर आग लगी होती है, तो वो एक पतरा पानी का ले जाके उस आग पे डालती है। किसी ने पूछा, मियाँ ये तुम्हारी एक पतरे पानी से क्या होगा? तो उसने जवाब दिया, जब मैं मर के अल्लाह के सामने जाऊंगी, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जवाब क्या दूंगी, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया था। तो मैं इसी तरह से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हिस्से का काम कर दें। आप जब अपने हिस्से का ये काम कर देंगे तो ये दुनिया थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगी। मैं अपने हिस्से का काम और ना इस्तेमाल करके भी कर रहा हूँ और मैं अपने हिस्से का काम आपको बता के भी कर रहा हूँ। इसकी जगह आप कागज़ का कप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह आप बड़ा कंटेनर वाटर कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, पानी को घर में उबाल सकते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है हमें? क्या ज़रूरत है कि हम एक बाहर की कंपनी को हर पानी की बोतल के लिए पैसे दें? हैं, वो पैसे लेके हम गरीब आदमी मुल्क के हम उठा के उनको बाहर पैसे भिजवा दें? क्या पहले ज़माने में नेस्ले नहीं था तो कोई पानी नहीं होता था? पानी का फ़िल्टर लगा लें, पानी को उबालें, पानी को मटके में रखें, फिर अगले दिन इस्तेमाल करें। बेहतरीन पानी होगा, मीठा भी होगा, खूबसूरत भी होगा, जायके भी अच्छा होगा और आप बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह। बस ये आपसे गुजारिश थी। अस्सलाम वालेकुम।